नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फंडर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं नौसेना भर्ती 2019 के बारे में। जी हां दोस्तों, INET ने विभिन्न शाखाओं के लिए, विभिन्न पदों के लिए दोस्तों आवेदन मांगा है। तो आवेदन कब से चालू होगा दोस्तों, कब से प्रारंभ होगा, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं लाइव। अप्लीकेशन बिगिंग 29 नवंबर 2019, यानी कि 29 तारीख से दोस्तों आपका ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि है दोस्तों, वो 19 दिसंबर 2019, और जो फीस पेमेंट का लास्ट डेट है दोस्तों, उसी दिन 19 दिसंबर को ही है। और दोस्तों जो इसका एग्जामिनेशन डेट होगा वो फरवरी 2020 में होगा, और इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा दोस्तों जनवरी 2020 लास्ट वीक में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। दोस्तों जनरल और OBC के लिए जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनके लिए 251 रुपये है, और SC ST के लिए दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क है। वो लोग कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं पे करेंगे। पेमेंट मोड दोस्तों, जैसे मैं रोज़ बताता हूँ आपको, जो कि आजकल ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगी हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों, उसका ऑनलाइन डेबिट कार्ड भी होता है। मतलब जो आपका एग्जामिनेशन फ़ीस होता है दोस्तों, उसको आप ऑनलाइन डेबिट कर सकते हैं, या किसी नेट बैंकिंग के माध्यम से, या आप ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कितने पोस्ट हैं इसमें, तो मैं आपको बता दोस्तों, यहाँ पर टोटल पोस्ट 144 है, और मैं सारी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों पोस्ट वाइज एज लिमिट दिया गया है, और पोस्ट वाइज जो है कि इसका योग्यता दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, SSC आर्मामेंट इंस्पेक्ट्रेट कैडर NIAC, मेल फीमेल के दोस्तों टोटल 6 पोस्ट है। एज दिया गया दोस्तों 2/1/1996 से 1/7/2001 के बीच में आपका एज होना चाहिए। अब इसके लिए दोस्तों आपका योग्यता क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों, इंजीनियरिंग डिग्री विथ 60%। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है दोस्तों, तो आपको कम से कम उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। फॉर बेस्ट डिटेल्स कैंडिडेट, अगर दोस्तों इसके बारे में अधिक जानकारी आप चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, SSC ACT मेल फीमेल दोनों के लिए दोस्तों टोटल 4 पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों जो एज लिमिट दिया गया है 2/1/1996 से 1/1/2000। इसके लिए दोस्तों 10वीं 12वीं 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, या BTEC BE किए हैं आप इंजीनियरिंग में दोस्तों, उसमें कम से कम 60% अंक होने चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें SSC पायलट अदर देन MR, इसमें केवल मेल पोस्ट है दोस्तों, इसमें 6 पोस्ट हैं, जिसमें दिया गया दोस्तों एज 1/1/2002 से 2/1/1997। दोस्तों इसके लिए भी आपको वही चीज़ मांगा है, BE BTEC या 10वीं 12वीं पास होना चाहिए आप। इसमें दोस्तों बहुत से हैं, SSC पायलट MR है, SSC ऑब्जर्व भी है, अब उसके बाद नीचे दोस्तों SSC लॉजिस्टिक दिया है, इसमें मेल फीमेल दिया गया है। दोस्तों मैं आपको इस इतना बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोग सरकारी माध्यम से जो सरकारी पोर्टल है उसको खोल के आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सारी जानकारी दी गई है, कितना मेल को चाहिए, कितना फीमेल की एज होनी चाहिए दोस्तों, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग भी एक बार खोल के देख लीजिएगा। तो यहाँ लॉजिस्टिक के लिए दिया गया दोस्तों, मेल फीमेल दोनों दिया गया है, पोस्ट 11 दिए गए हैं, 2/1/1996 से 1/7/2001 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, और डिग्री क्या है, BE BTEC यानी स्ट्रीम, और MBA MCA MCIT BSc BCom विथ PG डिप्लोमा इन फाइनेंस विथ 60% मार्क्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों SSC XIT, इसके दोस्तों 10 पोस्ट हैं, और 2/1/1996 से 1/7/2001 के बीच आपका उम्र होनी चाहिए, इसमें BSc IT MCA MTech IT BTEC डिग्री, मतलब कि दोस्तों जो भी आप ये टेक्निकल डिग्री लिए हैं उसमें 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, SSC इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इसमें मेल के लिए 26 पोस्ट है दोस्तों, और उनका उम्र है 1/1/1996 से 1/7/2001। BE किए हों आप या BTEC किए हों, उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए इन मैकेनिकल, या मैरिन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन एरोनॉटिक्स का कोर्स किए हों दोस्तों, उसमें भी 60% होने चाहिए आपकी उम्र। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल ब्रांच, SSC इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, मेल के लिए दोस्तों 27 पोस्ट हैं, और एज दिया गया आपका 1996 से, यानी कि 2/1/1996 से 1/7/2001। इसके लिए आपका जो डिग्री होना चाहिए, आप BE या BTEC डिग्री में 60% इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन में विथ पावर इंजीनियरिंग।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन ब्रांच, जो शिक्षक ब्रांच है दोस्तों, उसमें एसएससी एजुकेशन के लिए फीमेल के लिए 15 पोस्ट है दोस्तों, महिलाओं के लिए। इसमें 2/7/1996 से 1/7/2001 के बीच में आपका एज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आप एमएससी मैथ ऑप्शनल होना चाहिए, रिसर्च एंड बीएससी फिजिक्स विथ 60% मार्क्स के होने चाहिए आप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको नोटिफिकेशन चेक कैसे करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है मैंने आपको बताया, 29/11 से प्रारंभ होगा, ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो इस लिंक 29/11 को ये खुलेगा, उस दिन एक्टिवेट होगा दोस्तों। और नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके जा सकते हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in के ऑप्शन खुल जाएगा, ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। तो आप यहाँ से भी अपना चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और आपको देखना होगा नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप लोग का समय नहीं लूँगा, आप लोग को जो मैंने बताया आप लोग उसी माध्यम से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों या कोई समस्या होगी आपको, तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। दोस्तों जो मैं वीडियो देख रहे हैं, जो तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा कि कैसे फॉर्म को डालना है। जो लोग फॉर्म ऑनलाइन नहीं फिलअप कर पाएंगे वो हमसे संपर्क कर लेंगे, मैं फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने की जो आइडिया बता दूंगा आप लोग को। और जो नए यूजर मेरे चैनल देख रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।